इंडिया वुमन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमन, जो कि गाइस सेकंड ओडीआई मैच होने वाला है अहमदाबाद पे, जो कि फर्स्ट मैच हुआ है। इंडिया यहाँ पे वन साइड जीत चुकी है, तो सेकंड मैच की तरफ चलते हैं जिसमें विकेट कीपर है, पहला नाम आएगा एम ग्रीन, जो कि बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, क्योंकि नीचे बैटिंग करती है तो आप चाहो तो ले सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, जो कि बैटिंग नीचे करती है प्लस विकेट कीपरिंग में सो हुई है, विकेट कीपरिंग नहीं करती। यश भाटिया जो कि इंडियन प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, टेक्निक बैट्समैन है, अच्छी बैटिंग करती है, तो मेरे हिसाब से 90% आपको लेना चाहिए और सिलेक्टिंग में 90% है। उसके बाद एक विकेट कीपर और है न्यूजीलैंड की, आप देख सकते हो। तीसरी विकेट की कीपर का नाम है इजी गेस, जो कि इसका भी बैटिंग ऑर्डर पाँचवें छठे के नीचे होता है, और आप परफॉर्मेंस दे सकते हो, बैटिंग से तो कुछ है नहीं मगर कीपरिंग से आपको अच्छे खासे पॉइंट दे रखे हैं। तो गाइस तीन ऑप्शन है जिसमें हमने यश भाटिया चूज़ किया, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया है। और गाइस बैटिंग की तरफ चलते हैं, पहला नाम आएगा स्मृति मंदाना, जो कि बहुत ही बढ़िया इंडियन टेक्निक बैट्समैन है, मगर आप देखोगे फर्स्ट मैच में फ्लॉप हो चुकी है, आप देखोगे 7-15। इंडियन प्लेयर है, कभी भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दे सकते हैं। सूजी बेट्स लेने का क्यों इम्पैक्ट बन रहा है, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप में इसने फाइनल मैच में ओवर डाला था और अभी भी पहले वनडे में इसने ओवर डाला है, तो अच्छी बॉलिंग कर रही है प्लस बैटिंग भी ओपनिंग करती है, टेक्निक बैट्समैन है तो इम्पॉर्टेंट है। शिफाली वर्मा इसका भी सेम है भाई, बॉलिंग बैटिंग दोनों करती है, आप देख सकते हो एक ओवर 10 रन और 22/33, जो कि इंडियन बैट्समैन है, अच्छा खासा बैटिंग करते हुए देख सकते हो, और पहला मैच इंडिया जीती है, तो चाहो तो इंडियन बैट्समैन ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद हॉलीवुड, जो कि ये भी कभी ना कभी ओवर डालते हुए दिख सकती है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ 1 ओवर 6 रन और ये आपको 54/39 खेलते हुए दिखेगी, अच्छी बैट्समैन है, इम्पोर्टेंट है, ले सकते हो। और उसके बाद अमीना राउडरीस, जो कि ठीक ठाक टेक्निक बैट्समैन है, वनडे के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकती है, इंडिया बैटिंग करती है तो। उसके बाद एक बैट्समैन और है प्लीमिमर, जो कि ठीक ठाक इसने भी पॉइंट दे रखे, 25/25 5 चौके, अच्छी खासी बैट्समैन लग रही है। उसके बाद एल डाउन, ये भी आप बैटिंग से परफॉर्मेंस कर रखे। न्यूजीलैंड के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं मगर हम इसको नहीं लेंगे। उसके बाद डी हेमंता, जो कि इंडियन बैट्समैन है, और आपको हम देखेंगे परफॉर्मेंस क्या गया। हेमंता ने भाई 2 ओवर डाले हैं और 9 बॉलिंग पे 3 रन मारे हैं, इंडियन बैट्समैन है, कभी भी आपको अच्छा करते हुए दिख सकती है। एक और इंडियन बैट्समैन है जो कि टेक्निक है, तेजल ने क्या किया मैं आपको दिखा सकता हूँ, 64/42 टेक्निक बैट्समैन है, इंडिया बैटिंग करती है, तो 4-5 बैट्समैन आप ट्राई कर सकते हो या 2-3 बैट्समैन सेफ जा सकते हो। तो फिलहाल तो मैंने भाई 3 लिए बैट्समैन, जो कि स्मृति मंदाना, सूजी बेट्स और शिफाली वर्मा। ऑलराउंडर की तरफ बढ़ते हैं, एलिना केयर, जो कि बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली थी कप्तान की, मगर ये अनवेलेबल है इस मैच के लिए, तो फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद हरमनप्रीत कौर, जो कि खेली नहीं है, खेलेगी तो बात करेंगे। फिलहाल अभी दीप्ति शर्मा, जो कि कप्तान की हमारी दावेदार होने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो 51/41 प्लस 9/1, तो कल के मैच की इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकती है कप्तान वाइज की, तो लेना ही लेना है प्लस कप्तान भी बनाना है। उसके बाद सोफी डिवाइंस, जो कि आप देख सकते हो बॉलिंग बैटिंग दोनों करती है, 6 ओवर डाले हैं और 5/2 रन, अच्छी ऑलराउंडर है, कभी भी आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकती है प्लस आप इसको वाइस भी बना सकते हो। गेंदबाजी की तरफ चलते हैं, पहला नाम आएगा न्यूजीलैंड की स्पिनर है क्रोसन, जो कि भाई 2 विकेट लेगी, अच्छी स्पिनर है तो टीम में लेना ही लेना है। उसके बाद रेणुका सिंह ठाकुर, जो कि भाई आपको 8-10 ओवर डालते हुए दिखेगी, 7 ओवर डाला 4/51 से, अच्छी गेंदबाज है, कभी भी आपको 1-2 विकेट लेते हुए दिख सकती है। उसके बाद राधा यादव, जो कि मेरी फेवरेट स्पिनर है, अच्छी बॉलिंग डालती है, आप देख सकते हो 85 पॉइंट दिए हैं बॉलिंग से और बैटिंग भी कर लेती है, तो इम्पोर्टेंट है, लेना ही लेना है। जे केयर, जो कि वर्ल्ड कप बहुत ही बढ़िया गया और वनडे में भी आते इसने 3 विकेट लिए हैं, तो इम्पोर्टेंट है, लेना ही लेना है। उसके बाद ए रेड्डी, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है इंडिया की साइड से, बैटिंग भी करती है और बॉलिंग भी, 6/1 और 23/14, चाहो तो आप इम्पोर्टेंट है, ले सकते हो। उसके बाद एस ठाकरे ने क्या किया है, इसने भी भाई 2 विकेट लिए हैं प्लस 3 कैचे पकड़े हैं, तो इंडिया की साइड में बहुत सारे गेंदबाज अच्छे खासे हैं, तो रेड्डी को आज
या एस ठाकरे, इन दोनों में से किसी को भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एस ठाकरे और रेड्डी दोनों के साथ जा रहा हूँ। बाकी कोई स्पिनर खेलता है, एस पटेल और या पी मिश्रा कोई भी खेलेगा तो मैं उनको भी ले सकता हूँ। फिलहाल गाइस अपनी टीम तैयार हो चुकी है। आप देखो कप्तान वाइज के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला नाम मैंने तो आपको बता रखा है, इंडिया बैटिंग करती है तो स्मृति मंदाना भी बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि टेक्निक बैट्समैन है, अच्छे खासे स्कोर के लिए जानी जाती है। और उसके बाद दीप्ति शर्मा जो कि मैंने सेफ ऑप्शन बता रखा है, और 90% सबकी कप्तान दीप्ति शर्मा ही आने वाली है। उसके बाद सूजी वेट्स है, और उसके बाद आर राधा जो कि आप देखोगे 14% 14.5% सेलेक्टिंग है वाइस की। तो फिलहाल मैं अभी राधा और सोफी डिवाइन में कंफ्यूज हूँ, तो मैं अभी राधा के साथ जा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे। और भी बना सकते हो गाइस, मेरी प्रेडिक्शन टीम देख सकते हो, जिसमें मेरे पास यश भाटिया है और स्मृति मंदाना है और सूजी बेट से शिफाली वर्मा है, दीप्ति शर्मा है और सोफी डिवाइन है, सी क्रॉस है, आर यादव है, जे केर है, रेड्डी है, एस ठाकरे। गाइस प्रेडिक्शन टीम क्लियर है, फाइनल टीम टेलीग्राम पे लाइक और कमेंट के साथ तैयार रहना। मिलते हैं गाइस फाइनल टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।